ये देख लो, ए, ओ, गया। ये देखना मेरा, ए, वुई, ओ, ये देख रहे हो, ए, दोनों गिर गए। अरे तो ओ, बच गई हो। बच्चों कैसा शोर हो रहा है? अरे अरे बताना नहीं कि हमने किया, कहेंगे फिजा ने किया, ठीक है? अरे ये क्या भाई, कबाड़ खाना बना के रखा हुआ आप लोगों ने घर को? वो बाबा ये हमने नहीं किया। हमने नहीं किया तो फिर बेटा ये किसने किया? हाँ फिजा ने किया। फिजा ने किया? फिजा को क्या हो गया, किस तरह की फजूल हरकतें शुरू कर दी इसने? आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे कि फिजा ने किया? नहीं बाबा हम लोग सच कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये फिजा ने किया होगा। बाबा ये फिजा ने किया है। पक्की बात? जी जी बाबा पक्की बात। मैं ठीक करता हूँ इसको। चलो ठीक है आप लोग अपना पढ़ो। जी जी आकर बनाया फिजा ने किया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये फिजा ने किया। अरे काम हो गया। पिज़्ज़ा ठीक? पिज़्ज़ा बेटी क्या टूटा? मामा कुछ नहीं कुछ नहीं। अब क्या करूं, मामा तो ये नए कप लाए थे और उस सेट में से एक कप टूट गया। हाँ ऐसा करती इसे फेंक देती हूँ, जब मामा को पता चलेगा कह देंगे हरीम ने तोड़ा। हो गया काम। ये देखो सारे घर में ढूंढ रहा हूँ और तोतों के बटन ये पड़े हुए हैं। देखो तरह यार कान पड़ा है, ये भी नहीं डालते ये लोग इसमें कूड़े के। अरे ये किसने तोड़ दिया कप? बच्चों की मामा तो पूछता हूँ, तो नया सेट लेके आए थे भी नया। अरे भाई किधर हो? हाँ जी क्या है, काम कर रही हूँ। अरे भाई वो जो नया सेट आप लाई थी वो उसका एक कप टूटा हुआ है, उसमें कूड़े के डब्बे में पड़ा है, वो किसने तोड़ दिया? क्या कप टूट गया? पता नहीं अभी तो मैं काम कर रही हूँ, मुझसे तो वैसे नहीं टूटा, पता नहीं किसने तोड़ दिया, अभी नया ही लाई थी, बाद में देखूंगी, अभी मुझे बच्चों की अलमारी सेट करने दो। अच्छा इन्होंने भी नहीं तोड़ा तो फिर अब किसने तोड़ा होगा? कुछ जिन भूत तो घर में है नहीं, यानी किसी घर के फर्द ने तोड़ा होगा, देखते चलो। फिजो फिजो बहुत आइसक्रीम वाला आया है। लेकिन फायदा हुआ कोई ना हुआ ना, पैसे नहीं है मेरे पास। आपके पास भी नहीं है? आपके पास भी नहीं है फिजा, हमारे पास भी नहीं है। तो और वो चला जाएगा फिर अगले दिन आएगा, और फिजा बहुत बारिश भी हो रही है, हम लोग दुकान पे भी नहीं जा सकते, यही मौका है आइसक्रीम लेने का। अया अब देखो आपके पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो चुप करके ना बैठ जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? अगर आप लोग मेरी बात माने मैं तो बताऊंगी। हाँ, जल्दी बताओ इससे पहले वो चला जाए, जल्दी बोलो। पागलो पागल हो गए, मामा की अलमारी से हम लोग चोरी करेंगे पैसे? मैं नहीं कर रही। ओ पागल लड़की, वो हमारी अपनी मामा है, किसी और की नहीं, अब चलो जल्दी। लेकिन नहीं अयान ये फिर भी तो चोरी खिलाएगी ना। बस कर दो आओ जल्दी, वो चला जाएगा। चलो चलो आओ। लेकिन फिजा अगर मामा को पता चल गया तो क्या, बस कह देंगे हमें नहीं पता कहाँ गए। यानी फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। चलो चलते आइसक्रीम तो खानी है ना। हाँ चलो चलो। मेरी अलमारी से पैसे आपने निकाले हैं? अरे नहीं भाई मैंने क्या करने हैं। अच्छा क्यों क्या हुआ?
मैंने वो बक्स काम वाली मासी को देने के लिए रखे थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए। अभी अभी तो रखे थे थोड़ी देर पहले। अच्छा नहीं, मैंने तो निकाले, देखो कहीं ऊपर नीचे कहीं हो गए होंगे। हाँ देखती हूँ। घर में ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो नॉर्मल नहीं होते। गम डला हुआ है, अयान हरीम कहते हैं कि ये फिजा ने डाला है, और मेरा दिल नहीं मानता कि ये फिजा ने किया होगा। उसके बाद कब टूटा घर में किसी को भी पता नहीं इस बारे में। ये भी अजीब बात है। और अब ये पैसों वाली बात, हमारे अलावा घर में तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे आजकल कुछ ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिए, गलत आदत में पड़ गए ये लोग। पता करना पड़ेगा ये जरा। अच्छा चलो कोई नहीं, इसका भी हल मैंने सोच लिया है। चल के इनसे जरा बात करते हैं। बच्चों किधर जा रहे हो आप लोग, जरा इधर आओ ना। जी बाबा। जी पापा। जी पापा। जी तो बच्चों जरा बताओ ना आप लोग कहाँ जा रहे हो। पापा बस के खेलने जा रहे हैं। बेटा बेटा क्या हो गया, कोई कहता चीज लेने जा रहा हूँ, कोई आइसक्रीम, कोई खेलने, क्या बात हो रही है ये। झूठ बोलने से पहले आपस में पहले तय तो कर लो कि हमने झूठ क्या बोलना है। इसीलिए कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। पापा वो हम झूठ तो नहीं बोल रहे। जी पापा। अच्छा तो आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो ये बताओ फिजा, ये आपके पास पैसे कहाँ से आए। मैंने तो आपको दो दिनों से चीज के लिए कोई पैसे नहीं दिए। पापा मेरे पास पहले के पड़े थे। बच्चों बोल लो बोल लो, और भी कोई झूठ है बाकी तो वो भी बोल लो। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और अच्छा जरा मुझे अब आप लोग तफसीलन जरा बताएंगे कि जो सुबह कमरे में गन था वो किसने डाला, उसके बाद एक कप किचन में टूटा वो कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, और घर से पैसे चोरी हुए, कोई बताया जरा मुझे इस बारे में ये सब क्या क्या है। सॉरी बाबा वो हमने गलत लिया था रीमत मैंने। सॉरी बाबा वो कप मेरे से टूटा था। ये तो ठीक हो गया, और वो पैसों वाला क्या मामला है। सॉरी बाबा वो हम तीनों ने निकाले थे आइसक्रीम खाने के लिए। चलो ये तो एक अच्छी बात है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। एक तो आप लोगों ने चोरी की और उसके ऊपर आप लोगों ने झूठ भी बोला, दोनों ही काम बहुत गलत किया आपने, और ये बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, आइंदा ऐसा कोई काम ना हो। बाबा आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये कौन आ गया देखो जरा। अरे ये तो सलीम आ गया। क्या हुआ बाबा कौन आ गया। उफ अल्लाह ये कभी से क्या भाई। सलीम अंकल आए हैं, उन्हें कहो कि बाबा घर पे नहीं है। बाबा बाबा। जी बेटे। बाबा आपने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।